Let's take a tea break. God. मेड भी ना किचन के सामान का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कभी भी किचन में आओ, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। बस फोकट का पैसा मिल रहा है ना, आने दो उसको, तो मैं बताती हूँ अच्छे से। हेलो, हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि चाय पत्ती मिल जाएगी। शॉप बंद हो गई है। ओके, चलो ठीक है, मैं यही पूछ रही थी। बेवकूफ औरत। इस टाइम पे कौन होगा? हाय, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आई एम योर नेबर अदिति। हाय, आई माया। हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मुझे ना चाय पत्ती चाहिए थी, वो नीचे शॉप बंद हो गई, वरना मैं नीचे से ही ले लेती। इट्स ओके ओके, अंदर आओ ना। ओके, कम। अदिति, अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो मैं ही चाय बना लेती हूँ। इट्स ओके, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे परेशानी वाली कौन सी बात है, इस बहाने मैं भी चाय बना लूँगी और कंपनी भी मिल जाएगी। कम ऑन, इतना मत सोचो, प्लीज हैव अ सीट। अदिति, तुम चाय के साथ कुछ लोगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। श्योर? हाँ जी। ये लो तुम्हारी चाय। आप तो बड़े फेमस हो यार। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो आपके काफी स्ट्रांग ओपिनियंस हैं। नाइस। यू नो, आई स्ट्रांगली बिलीव कि औरतों की आवाज और भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है बिना किसी मर्द को डिफेम किए हुए। ट्रू। बाय द वे, तुम्हें यहाँ कितना टाइम हो गया? मुझे ज़्यादा तो नहीं हुआ है, एक साल हुआ है। तभी उस दिन वो पार्टी म्यूजिक मस्ती है। मैं यहाँ पर लास्ट मंथ ही शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, तो पहले कहाँ रहते थे? आई वॉज इन गुड़गांव। ओह कूल। चलो अच्छा है, चाय पत्ती के बहाने ही सही, इस बिल्डिंग में किसी से तो जान पहचान हुई मेरी। वो तो है, क्योंकि आजकल ये सोसाइटी में लोग ज्यादा इंटरेक्ट तो करते नहीं है। मैं खुद मतलब एक साल बाद ऐसे किसी से बैठ के बातें कर रही होंगी। ट्रू। एक्चुअली लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, सब इतना बिजी होते हैं। क्या काम क्या करते हो आप? कम ऑन, जैसे माया डिवोर्स हुआ है, पर मेरी उम्र इतनी भी नहीं कि तुम मुझे बार बार आप कहकर बुलाओ। ओके, वैसे आई एम ए कॉर्पोरेट लॉयर। व्हाट अबाउट यू? आई एम अ फ्रीलांस फैशन स्टाइलिस्ट। नाइस, इंटरेस्टिंग। हमारी तो वही बोरिंग प्रोफेशनल लाइफ। इंटरेस्टिंग तो है, बट स्टेबल नहीं है। आई मीन, एक दो अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर लो तो खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं, बट उसमें भी 3-4 साल लग जाते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट रिस्क है तो इश्क है। Do you smoke? No, not really. I mean, very rarely. It's okay. मैंने बस ऐसे ही पूछा। वो actually क्या है ना, चाय और सुट्टा का combination बड़ा ही unbeatable होता है। Anyways,
यू वांट टू स्टैंड आउट, आई मीन थोड़ी देर के लिए? लुक्स, बाहर अच्छी हवा चल रही है. ओके, चले. वैसे यहाँ पे शाम का वेदर बहुत अच्छा हो जाता है. हाँ, वैसे आप सॉरी, तुम अकेले रहते हो यहाँ? मैं और मेरी तन्हाई. और तुम? मैं भी. तो आर यू सिंगल और डेटिंग समवन एल्स? नहीं यार, डिवोर्स केस बहुत मेस्ड अप था, सो टेकिंग माय टाइम ऑफ रिलेशनशिप. आई एम सॉरी. इट्स ओके. व्हाट अबाउट यू? आई एम सिंगल बट लुकिंग अराउंड. कम ऑन, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस है पार्टनर के लिए. हाँ है तो, पर क्या? आई मीन गाइज ओनली वॉन्ट वन थिंग, वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, हुकअप्स, कैजुअल सेक्स. हंस लो. सॉरी. तुमने किसी मैट्रिमोनियल साइट में ट्राई नहीं किया? किया ना, बट अगेन वही सब मेस. अच्छा, दैट मींस शादी से पहले तुम्हें सेक्स पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. आई मीन आई हैड अ रिलेशनशिप, इट वाज अ मेस. आई मीन सब कर लो बट आउटपुट के नाम पर नथिंग. सी, शादी से पहले सेक्स इज नॉट एन इशू, बट उसका कुछ मीनिंगफुल एंड भी तो होना चाहिए ना, लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या फिर मैरिज. पर मुझे ना एक इमोशनल इंटीमेसी चाहिए. सेक्स तो हर कोई करता है यार. ट्रू, आई एग्री. कैन आई आस्क यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड? पूछो ना. आपका डाइवोर्स क्यों हुआ? आई मीन व्हाट हैपेंड? यार सेम वही स्टोरी, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है. मतलब लड़कों का प्यार हनीमून या फिर शादी के एक दो साल तक ही रहता है, पर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है. एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं रहता. एक ही घर में रहते हुए भी हमारी कई कई दिनों तक बात नहीं होती थी. ऐसा लगता था कि हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं या फिर फ्लैटमेट्स. आई कैन अंडरस्टैंड यार. तुम नहीं समझोगी अदिति, तुम उस दौर से नहीं गुजरी हो. ये भी है. कभी कभार मुझे लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी. कम से कम हमारे बीच का प्यार तो जिंदा रहता. आप लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया? यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई. डिस्कशन के लिए कम्युनिकेशन और सीरियसनेस का होना बहुत जरूरी है. मगर जब सामने वाला बंदा बिजी बोलकर आपकी विशेष को डिसरिस्पेक्ट कर दे, तब क्या ही कर पाओगे और कितना ही कर पाओगे? ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने अपने पूरे एफर्ट डाले. पर वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ प्रायोरिटीज भी बदल जाती है. तो आपके एक्स हस्बैंड एकदम से कैसे चेंज हो गए? कोई तो रीजन रहा होगा ना? वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर. पैसों से खुश कर लिया, जब चाहा तो सेक्स कर लिया. हमारा रिलेशनशिप ना सिर्फ उसके हिसाब से चलता था. तो उन्होंने कभी पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए? पूछा होता ना तो आज मैं अकेली ना होती यहाँ पर. इट्स ओके. उसने मेरी कभी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड को समझने की कोशिश ही नहीं की. कभी नहीं. एक्चुअली ना मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है. जब मैं उसको डेट कर रही थी तब बहुत भाव देता था, नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे. पर जब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी ना, एकदम से वो बिजी होने लगा. पर हाँ, जब सेक्स करना होता था तब कॉल्स, मैसेजेस, बेबी आई लव यू, आई मिस यू. ड्रामा यार. मुझे तो कभी कभार लगता है कि
शादी या रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इट्स टोटली कंफ्यूजिंग नाउ. वही, ये तो वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए. एग्जैक्टली. ऊपर से घर वालों और सोसाइटी वालों को लगता है कि लड़की निभाना ही नहीं चाहती है. अब उन्हें कोई कैसे समझाए कि ब्रेकअप के बाद ट्रॉमा सेल करने में बहुत टाइम लग जाता है, अकेलापन काटता है. पर क्या करें, डर भी तो लगता है. You can date someone else, na? No, यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ. और मेरा पूरा फोकस मेरी करियर पर है. That's cool. You know, तुम क्यों नहीं ढूंढ लेती हो किसी लड़के को? I mean, you are young, you are beautiful. तुम्हारे पीछे तो काफी लड़के होंगे. पता नहीं यार. I mean, देखते हैं. किसी के साथ वाइब सेट होती है तो let's see. You know, अकेलापन और बॉडी की नीड सोचने पे मजबूर कर देती है कि काश कोई रिलेशनशिप में होता. I can understand. तुम नहीं समझ पाओगी अदिति, डिवोर्स के बाद एक औरत को अपना करियर खुद बनाना पड़ता है. फिर चाहे समाज कुछ भी कहे, कितने भी ताने मारे. एक अकेलापन वो भी होता है जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देते हैं. मैं शादीशुदा नहीं हूं, पर इस दुनिया की भीड़ में मैंने भी अपने आप को खोया है. इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा. I think मुझे चलना चाहिए. So sorry.